यार ये देखें, वो बहुत खूबसूरत है, देख रहे हैं दोस्तों। यार बारीक बारीक करना सितैन, हो जाएगा। हाँ ना, वो खा नहीं पाएंगे। तो यार अभी हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे नए मेहमान आए हैं ना, हम उनके लिए दाना क्रश कर रहे हैं। अब आपको समझ तो आ गया होगा दोस्तों कि वो परिंदा है या जानवर है। दाना तो तकरीबन परिंदे ही खाते हैं, जानवर भी खाते हैं लाइक बकरियां वगैरह, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ वो है एक परिंदा। सही है सितैन भाई, सही है। अब बता दिया भाई कि वो परिंदा है, खुश हो जाओ। मैं तो कल ही सब कुछ बता रहा था, तुमने नहीं बताया। चलो क्रश करो, क्रश सारा गिरा दिया, बड़ा अच्छा क्रश कर रहे हो। ग्राइंडर में डाल देते ये। ठीक है, छोटे छोटे दाने हो जाएंगे। चलो चलो बनाओ बनाओ। तो यार मैं न्यू पेट्स का ना खाना बन चुका है, क्रश हो चुका है, अभी लेके चलते हैं और उनको ये खिलाते हैं। एक इतना प्यारा कबूतरों का बच्चा निकला हुआ ना सितैन, मैंने सोचा था थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर तुम्हें दिखाऊंगा और सबको दिखाऊंगा। कौन सा? इधर भाई, ये देखो यहाँ पर मैंने इतना छुपाया हुआ, बंदा खोल ही नहीं सकता। कौन से, इसमें है या इसमें है? मैं उठाता हूँ ना, तुम साइड। अच्छा निकालो निकालो, बड़ा है काफी। इधर इनके, हाँ तेरे माँ बाप बैठे हुए, इनका बच्चा इनके अंदर ही होगा। कौन सा बच्चा? ये तो बड़ा हो गया ध्रुआ भाई, देखो तो सही कितना क्यूट है, प्यारे है यार, देख रहे हो। अभी माँ बाप इसको फीड कराती है, खुद करता है, ये खुद खाता है भाई, बड़ा हो गया। इधर छोड़ो इसको, ये देखो ये तो उड़ने भी लग गया यार। हाँ, ये देखिए यार, आपको लग रहा होगा बड़ा कबूतर है ये वाला, वो पीछे वाला, लेकिन ये बच्चा बड़ा हो गया। हाँ ये भी है, ये भी है। ये वाला कबूतर प्यारा है या ये वाला कबूतर प्यारा है? एक मिनट मैं दिखा देखता हूँ आराम से। मेरे हिसाब से ये दोनों ही बराबर है, इसकी अपनी खूबसूरती है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा प्यारा ये लग रहा है मुझे। हाँ इसको अपने हाथ पे बिठाओ, दोनों को उड़ गया। यार दूसरा भी बिठाओ, अभी देखते हैं गौर से। ये भाई बहन है यार, देखें यार भाई बहनों में से देखें कौन सा प्यारा है, ये वाला प्यारा है या ये वाला प्यारा है? मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, आपने बड़ा अच्छा लगा, बहुत प्यारा दोनों। तो अभी दोस्तों हमने रैबिट्स को घास डालने वाले हैं, आ जाओ रैबिट्स खाना खा लो, टाइम हो गया है, आ जाओ शाबाश। बल्कि इधर नहीं, इधर डालता हूँ मैं, आ जाओ शाबाश 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 शाबाश। अब सारे रैबिट्स बाहर आएंगे, अपने बिलों से निकलेंगे, देखेगा मैं थोड़ा सा टाइम बैठूंगा, खुद ब खुद बाहर आएंगे। देखें वो एक वो आ गया है यार, मेरे ख्याल में इनको ना खुशबू आ जाती है कि घास आ गया है, नहीं तो ये अंदर ही होते हैं, पता नहीं बाहर कैसे निकल आते हैं, वहीं खुशबू ही आती होगी दोस्तों। अब देखें वहां से एक और आ गया। ना मैंने इनको बुलाया, जैसे मुर्गियों को बुलाते हैं, उनको आवाज़ की समझ होती है, आ जाती हैं, इनको मैंने बुलाया भी नहीं है, घास जो ही डाला खुशबू के साथ बाहर आ गए। खैर इनको डिस्टर्ब करते खाने देते हैं, चलो अभी खाते रहो, मजे से खाते रहो, सारा खत्म करना ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है? ओके आते हैं फिर बाद में। तो यार अभी सितैन ना न्यू मिनी ज़ू का गेट खोल रहा है, अब से लॉक लगना शुरू हो गया है, और इसके अंदर अब है हमारे ऐश और फियोना, हमने उनको ना ओपन छोड़ा हुआ था, और देखें अभी उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी है, देख रहे हैं कि ऐश और फियोना यहाँ पर आ गए हैं कि भाई थोड़ा सितैन आ गए, तो हम इनके साथ खेलेंगे। खोल दो यार, ये बाहर ना निकला है, बाहर ना निकलते हैं। कुड़ 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 हाँ भाई कैसे लग रहा है मिनी ज़ू? अब देखिए यार ऐश और फियोना ना सितैन के पीछे लग रहे हैं, इनको बहुत ही अच्छी जगह मिल रही है। आप सब कहते थे ना यार हर वक्त बंद होते हैं बंद होते हैं, उस टाइम यार जगह नहीं होती थी कोई खास, लेकिन जब से हमारा न्यू मिनी ज़ू बना है ना और चार दीवारी आई है, हम ऐश और फियोना को यहाँ पर ओपन खोल देते हैं। अब देखें कैसे मजे से घूम रहे हैं, जब गर्मी लगती है तो छांव में जाके बैठ जाते हैं, जब सर्दी लगती है तो धूप में आ जाते हैं, अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। और देखें अब कैसे खेल रहे हैं सितैन के साथ, खेलो भाई सितैन इनके साथ। ऐश फियोना मेरे पास आओ, ऐश फियोना ऐश फियोना, ओ यार बहुत क्यूट है, चलो भागो भागो मजे करो यहाँ पर, ये तुम्हारा मिनी ज़ू है, अभी भाग रहो, जहां जाओ जहां दिल करे वहां रहो। ये देखो यार ओके ऐश और फियोना फिर मिलते हैं, अभी हम जा रहे हैं, बाय बाय। तो अभी दोस्तों हम आ गए अपने मिनी ज़ू में, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सरप्राइज जो हमने कल लिया था, और वो अभी तक इस पिंजरे में है, तो फिर हम इसको शिफ्ट भी कर देंगे। तो सितैन तुम तैयार हो, दिखा दूं? तुम तो कल भी तैयार थे भाई, के दिखा दो। आज भी नहीं दिखाओगे? आज दिखा देता हूँ भाई, चलो आ जाओ। तो यार हमारी वो वाली चीज वो देखिए सामने बैठी हुई है, अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि ये है क्या चीज। ये चीज दोस्तों है एक किस्म की डक।
आपने सोचा होगा कि यार शायद डक ये आम वाली होगी, लेकिन आम वाली डक ये नहीं है दोस्तों। ये डक बहुत ही नायाब और बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत है। और इसको कहते हैं भाई वुड डक, वुड डक भी कहते हैं इसको। और स्टैन क्या नाम था इनका? और मुश्किल नाम है वो मुझे नहीं पता, मुझे भी भूल गया। खैर आसान लफ्जों में वुड डक। यार ये आम डक्स नहीं होती, ये बहुत खास होती हैं। और ये उड़ती हैं फुल, जैसे चिड़िया नहीं उड़ती वैसे उड़ती हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, पेयर है। अब देखें छुपा हुआ है बेचारा, डरे हुए हैं सिपी, ये तो बहुत ज्यादा। हाँ भाई किधर हो तुम? दोनों इधर हो, एक इधर है, दोनों इधर है। ये देखे, ये देखे यार, ये देखे आप, ये मेल बैठा हुआ है, ये देखे यार कितना खूब। बच गया, ये देखे यार, ये देखे, ये एक इधर बैठा हुआ है और फीमेल, फीमेल कहाँ गई? ये बैठी हुई है, छुपी हुई है। अंडा तो नहीं दिया हुआ भाई इसमें, ऐसे छुपी हुई है जैसे कोई है। ये देखे यार, ये कितना प्यारी है, देख रहे हैं, लग रही है कि डक है, नहीं लग रही ना तो? ये बहुत ही नायाब होती है यार, ये देखे, वो बहुत खूबसूरत है, देख रहे हैं दोस्तों कितना प्यारी लग रही है, क्यूट चिड़िया की तरह। मेल तो इससे भी प्यारा है, मेल तो बहुत क्यूट है भाई। ये देखे दोस्तों इसके कलर है, बहुत प्यारा है यार। बाहर अब इनको मैं बाहर निकालता हूँ। सीधे तेरा भी तुराब ने हमारी नायाब डक्स को ना निकाल रहा है बाहर, और आपको दिखाते हैं यार, हम भी गौर से देख लेते हैं और आप भी देख लें यार कितनी प्यारी प्यारी हैं। मैं एक पकड़ लूंगा, दूसरी तुम पकड़ लेना, ठीक है? नहीं, दोनों मैं पकड़ूंगा, तुमसे नहीं संभली जाएंगी, बहुत तेज है यार, यहाँ तो उड़ गई ना यार। ये छोटी छोटी डक्स हैं, वो दूसरी डक तो बहुत बड़ी होती है दोस्तों। एक फीमेल डक है और ये बहुत क्यूट है, आपने कभी नहीं देखी होगी इस तरह की। ये डक है कि चिड़िया है? ये क्यूट सी डक है यार, और ये उड़ती है फुल। इसके पर थोड़ी सी ट्रिम है तो हाँ। इसको मैं छोड़ूंगा तो ये ज्यादा नहीं उड़ पाएगी, लेकिन नहीं छोड़ जाएगी, लेकिन ये फुल स्पीड से उड़ती है। और ये अपने दरख्त पर घोंसले बनाती है, ये आम डक्स नहीं है, जमीन पे अंडे नहीं देती है। अच्छा, ये दरख्त पर चढ़ती है और वहां पर अपना घोंसला बनाती है होल के अंदर, दरख्त के होल के अंदर। और ये फीमेल है, और मेल को उठाता हूँ उसी टाइम में। अब तो पकड़ना ही पड़ेगा मुझे, छोड़ दो तुम से गिर यार। यार एक मिनट यार, मुझे मेल पकड़ने दो, और मेल बहुत क्यूट है भाई, बहुत क्यूट। देखते हैं भाई मेल कितना क्यूट है। इसे आपने बताना है कि फीमेल प्यारी है या मेल प्यारा है। हम सबको तो मेल प्यारा लगता है, अब आपने बताना है आपको क्या प्यारा लगा है। निकाला के नहीं निकाला? हाँ निकाल लिया भाई, दिखा दो। हट जा रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, कि हाथ से ना निकल जाए, कल की तरह देख लेना, जगह बना रहा हूँ। हाँ आराम से प्यार से। ओए ओए देखा, ये ऐसे ही निकलता है। एक दे दो इसलिए करो, जिद ना करो, एक मुझे दे दो, कसम से तुम्हारे से निकल जाएगी। चलो देखते हैं तुमसे निकलती है कि नहीं। भाई अब मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ, मेल और फीमेल दोनों। ओ देख लिया मैंने, इधर इधर इधर, तो आप यहाँ पे सही नजर आ रहे हैं, यहाँ पे रोशनी है ना दोस्तों। फीमेल आपने देखी, और ये दोस्तों मेल, देख रहे यार यहाँ से। ओहो ये तो मार क्यों रहा है, ये देख रहे हो सिपी, यहाँ से इसकी स्पाइक्स भी बनी हुई है। हाँ ये अभी ना नीचे की हुई है। अभी मैं इनको खोलता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि क्या फर्क है इसमें, क्या ये कौन सा परिंदा है भाई, इसमें क्यूट। यार अभी से इतना क्यूट लग रहा है मुझे, अभी देखने दो, नीचे से देखने दो ना। काट लो, मैं काटूं? यार ये देखें, ये है हमारा वुड डक का मेल। देखें इतने लाइंस बनी हुई है, डॉट्स बने हुए हैं। ये अभी हाथ में ना, तो आपके जब ये चल रहे होते हैं ना अपनी मर्जी से, अपना ताज ऊपर करके, ये वाला ताज जो है इनका, तो बहुत प्यारे लगते हैं। इनको अब मैं खोल लेता हूँ भाई इसके अंदर, यहाँ पर आराम से दोस्तों हम देखते हैं, आप भी हम भी। अच्छा अभी शिफ्ट करें या बाद में करें? यार मैं कहता हूँ घर इनका बन जाए फिर शिफ्ट करेंगे ना, अच्छा सा घर बनाते हैं ना इनका। अच्छा, अभी शिफ्ट नहीं करते, समझ जाओ इस चीज को। अभी फिर इधर छोड़ दूं मैं? इधर ना छोड़ो, जंप करते हैं बहुत बड़े, दिखाएं तो सही, जंप नहीं करते तो आप भी भाग जाएंगे, खटे हुए हैं, लंबे जंप करते हैं तो आप पकड़ नहीं पाए। एक को छोड़ के देखो, एक को ये छोड़ दी फीमेल। ओए चुटकी नो, चुटकी नो, अभी इसको नहीं छोड़ना, देखा ना इसको समझ नहीं आ रही है। अब अगर इसने लंबी जंप मारी, चुटकी तुमने काटना नहीं है इसको, छुटकू उधर से, छुटकू इधर से, छुटकी ये क्या किया है, बोला भी है तुम्हें मैंने, छुटकी को मैंने संभाला हुआ है। लग रही इसके अंदर चली जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं घोड़ी के पास नहीं। अरे कल भी यही भाग गई थी, घोड़ी नहीं, घोड़ी नहीं, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। यार अब हमने मेल को भी छोड़ दिया यहाँ पर, आवाज कैसी, कितना आवाज है, नहीं वाओ ये इसकी चिड़े की तरह आवाज है वही ना, देखो कितना प्यारी लग रही है। वाओ देखिए यार कितना प्यारी लग रही है ये डक। तो यार दोनों डक्स हमारी गोड फार्म में आ गए, अब हम यहाँ से इनको पकड़ते हैं, हमारी वुड डक। आपने देख लिया होगा खुली जब हुई है कितना प्यारी लगी है, मेल तो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत प्यारी लग रही है। तो इनको हम किसी वहां पर है छुपे हुए, जाली दिखा दो वो वाली, मैं उनसे पकड़ लेता हूं वो। ओके ओके ओके, पड़ी हुई है। आपने भी देख लिया यार, हमने भी देख लिया, बहुत प्यारे डक्स हैं। अब इनका बहुत जल्द घर बनाएंगे हम, ये वाला इसको रेनोवेट करेंगे, फिर इनको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। दोनों पकड़ लो, एक पकड़, चलो चलो।
तो यार दोनों डक्स को मैंने पकड़ लिया है, बेचारे काफी थक गई हैं, भागी बहुत ज्यादा हैं, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ अपने पार्टनर के पास। जाओ भाई, आप सुकून से रहो। तो यार कैसे लगा आपको? बहुत ही मुझे प्यारे बर्ड लगे हैं ये, आपने कमेंट में बताना आपको कैसे लगे हैं। चलो यार, हो गया भाई, पूरा हो गया तुम्हारा? शुक्रिया। चलो तो आपने बताना है यार, अगर हम इस तरह के बहुत ज्यादा बर्ड्स लाएं, क्यूट क्यूट से, अलग से इनका पाउंड हो, जैसे बतखों के अलग अलग किस्में होते नहीं, तो प्यारी प्यारी किस्में होती हैं बतखों की, डिफरेंट डिफरेंट, हम एक पूरा एक बनाएंगे न्यू मिनी जू में, जिसमें बहुत सारी होंगी डक्स, ठीक है? तो यार तुराब ने भी मान लिया, और आपने भी इसको कमेंट में बताना है कि हम एक एवरी जैसे बर्ड्स की होती है वैसे इनका एक घर होगा, मुख्तलिफ किस्म की बतखें होंगी उसके अंदर। यहाँ पर हमारा दोस्त बिग रैबिट पानी पी रहा है और इसका कान बिल्कुल ठीक हो गया है। अब पहले देख रहे थे ना, ये वाला कान जो था दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी एलर्जी थी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं बिल्कुल साफ हो गया है, और ये मुझसे बिल्कुल नहीं डरता भाई। क्यों डरा दिया सिप्तान? बात तो करने देते, कान नहीं देखता, नहीं देखते तुम तो कान। लेकिन यार अब तसल्ली हो गई है, हमारे रैबिट बिग बिल्कुल ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि हम इसके लिए इसका दोस्त भी लेकर आए, काफी टाइम से अकेली है बेचारी, तो इसके लिए इसका पार्टनर होना बहुत जरूरी है। सिप्तान किसी से यार पता करो यार, इसका बिग वाला रैबिट लेकर आते हैं यार, जैसे पहले मंगवाया था। हाँ, फुल बड़ा साइज में, फुल बड़ा, उससे भी बड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा ढूंढते हैं, ढूंढ के आओ फिर मिल जाएगा। वो क्यों चीख रही है भाई? यार हमारी मुर्गी क्यों चीख रही है इतना? क्या हुआ, क्या हुआ है? इधर चिक्की जो है भाई, चिक्की की वजह से। यार इधर ना, हमने चिक्की को बंद किया हुआ है। चिक्की आ जाओ, आजो आजो आजो। आप सोच रहे होंगे हमने चिक्की को यहाँ पर क्यों बंद किया है, मैं आपको बता देता हूँ। यार सारा दिन बहुत तेज धूप थी इस पिंजरे में, देख रहे हैं ये पिंजरा बिल्कुल खाली है, तो हमने ना डॉग को शिफ्ट कर दिया था। देखें हमारे चुटकी वहां पर बंधी हुई है छांव में, और चुटकू यहाँ पर बंधा हुआ है छांव में, और चिक्की को मैंने उधर बंद कर दिया था छांव के अंदर। चले चले डाल दें डाल दें डाल दें। कैसी का खाना दोस्तों, अब यहाँ पर हम रखते हैं, पहले उस कोने में होता था, वहां पर गंदा कर देती है बकरियां वगैरह ना। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। आजो चिकी, तुम्हें बंद करूँ अब, आजो। शाबाश 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 शाबाश, तुम्हारा खाना भी लेके आ रहा हूँ अब मैं, वो खा लेना तुम, सही है? आ जाओ, शाबाश, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ।